हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का टॉप 10 क्लासेस के करंट बैच में, और मैं आपका मैथमेटिक्स मेंटर, और मैं आपको गणित पढ़ाऊंगा, और गणित की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास क्लास 9th का जो है हम लोग पढ़ेंगे, क्लास 9th एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का सिलेबस जो हमारा क्या क्या चैप्टर पढ़ना है उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो आइए हम वीडियो को आपका बिना टाइम ले स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा अध्याय एक है, अध्याय एक जो हमारा दिया हुआ है वह क्या है, संख्या पद्धति। क्या है डियर स्टूडेंट्स, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में हमें क्या पढ़ना है, पूर्ण संख्या पढ़ना है, प्राकृतिक संख्या पढ़ना है, परिमेय संख्या पढ़ना है, अपरिमेय संख्या पढ़ना है, इन सब का परिचय पढ़ेंगे, और क्या होती हैं संख्याएं, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, इन सब के बारे में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। अध्याय दो हमारा जो है बहुपद है। क्या है डियर स्टूडेंट, पॉलीनोमियल, जिसका अंग्रेजी शब्द होता है पॉलीनोमियल, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। बहुपद क्या होता है, यह कितने प्रकार का होता है, कौन कौन से पद होते हैं। जैसे बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, यह 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। इनके परिचय के बारे में अध्ययन करेंगे, इनके प्रकार कितने होते हैं इनके बारे में अध्ययन करेंगे। और अध्याय हमारा 3 है निर्देशांक ज्यामिति। क्या है डियर स्टूडेंट, निर्देशांक ज्यामिति। जैसे हमें दे देगा इस तरह से आकृति एक्स और वाई एक्सिस पर, और हमसे पूछेगा इसको 2 और 3 कहां पर प्रदर्शित होगा, क्या होगा 2 और 3 कहां पर प्रदर्शित होगा। फिर दे देगा -2, 3 को हम लोग कहां पर प्रदर्शित करेंगे। तो हम लोग जानेंगे, इसका परिचय जानेंगे, एक्स एक्सिस क्या होता है, एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होता है, इन सब के बारे में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। फिर हमारा अगला आता है अध्याय 4, 2 चरों में रैखिक समीकरण, इनके बारे में अध्ययन करेंगे, इनका परिचय अध्ययन करेंगे। फिर अध्याय 5 हमारा आता है यूक्लिड के ज्यामिति परिचय। यूक्लिड क्या होता है इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। फिर अध्याय 6 हमारा आता है रेखाएं एवं कोण। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं कि रेखाएं क्या होती हैं, कोण क्या होता है, त्रिभुज क्या होता है, इन सब का अध्ययन हम लोग क्लास 6 से ही करते आ रहे हैं। तो हमें 9th में भी मिलेगा रेखाएं एवं कोण। फिर इसके बाद हमारा अगला अध्याय है अध्याय 7 हमारा त्रिभुज है। क्या है डियर स्टूडेंट, त्रिभुज है, त्रिभुज के बारे में अध्ययन करेंगे। अध्याय 8 हमारा चतुर्भुज है, चतुर्भुज के बारे में अध्ययन करेंगे। अध्याय 9 हमारा समांतर चतुर्भुज और त्रिभुजों का क्षेत्रफल है, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। फिर 10 हमारा वृत्त है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। 11 अध्याय हमारा रचनाएं है। अध्याय 12 हमारा हीरोन सूत्र है। अध्याय 13 हमारा पृष्ठ क्षेत्रफल और क्या है उनका आयतन है, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। अध्याय 14 हमारा स्टैटिक्स सांख्यिकी है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। फिर हमारा आता है लास्ट चैप्टर जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको क्लास 8th से मिलते को पढ़ने के लिए मिल रहा है, और आपको क्लास 9th में मिलेगा, 10th में मिलेगा। फिर आपको जो हमारा 11 के बाद जो बायोलॉजी के स्टूडेंट होंगे वो क्या करेंगे, मैथ को छोड़ देंगे और किसको ले लेंगे, बायोलॉजी के ले लेंगे, तो उनका वहाँ से साथ छूट जाएगा प्रायिकता से। नहीं तो अगर आप इंजीनियरिंग के क्षेत्रों में जाना चाहते हैं तो आपको 11th में मिलेगा आपको प्रायिकता पढ़ने के लिए, 12th में मिलेगा। प्रायिकता क्या होता है, प्रायिकता जैसे आपको एक बैग दे दिया जाए, बैग के अंदर 2-3 प्रकार के गेंदे दे दिया जाए, तो आप हाथ डालकर जब निकालेंगे तो उसमें से कौन सा गेंद निकलेगा, यही क्या होता है, प्रायिकता होता है। जब हम जो हमारा पासा होता है, पासे को फेंकते हैं तो कौन सा नंबर ऊपर आएगा, जैसे हम लोग लीडो खेलते हैं, लीडो के फेंकने के पश्चात हमारा कौन सी संख्या ऊपर आएगी, इन सब का अध्ययन हम किस में करते हैं, प्रायिकता में करते हैं। और हमारे ताश का पत्ता है, ताश के पत्ते में हम अगर नीचे से 4थी पत्ती ऊपर से 5वीं पत्ती निकाल लेते हैं तो प्रायिकता क्या होगी, कि प्रायिकता क्या होगा जोकर आने का, इन सब का अध्ययन किस में अध्ययन करेंगे, इन सब का अध्ययन हम लोग अध्याय 15 में प्रायिकता वाले में अध्ययन करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप लोग स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग स्क्रीन शॉट ले लीजिए, और हम आपको
अध्याय एक जो हमारा संख्या पद्धति है स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। ये नहीं कि हम आपको एक लेक्चर दिलाने के पश्चात अगला लेक्चर आपसे कुछ पैसे का वसूल करें, यह हमारा नहीं। हम आपको यहाँ पर हमारा उद्देश्य है आपको मुफ्त में सारी वीडियोज को अवेलेबल कराना और आप सभी के पास शिक्षा को पहुँचाना। जो आपके पास अगर पैसे ना होने की वजह से आप लोग ट्यूशन और इंस्टीट्यूट में जाकर नहीं पढ़ सकते हैं, तो टॉप 10 क्लासेज आप सभी के लिए लेकर लाया है फ्री लाइव क्लासेज, और बहुत जल्द ही हम लोग आप लोगों के लिए लाइव क्लासेज लेकर आएंगे। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर दिया हुआ है, आप वहां पर जाकर व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। और अगर कोई डाउट होता है तो वीडियो का फोटो खींच लीजिए, फोटो का स्क्रीन शॉट खींच कर आप अपना डाउट को क्या करेंगे सेंड कर सकते हैं और आपका उसका सोल्यूशन मिल सकेगा। तो प्यारे बच्चों आज की वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं तथा हम आपसे मिलेंगे अगले अध्याय एक के अध्याय 1.1 को लेकर जो हमारा क्या है संख्या पद्धति है। तो डियर स्टूडेंट आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।